मधुबनी पुलिस को बाइक लूट कांड उद्भेदन में मिली बड़ी कामयाबी। लूटी गई बाइक और मोबाइल फोन के साथ एक अपराधी को दबोचा। झंझारपुर थाना क्षेत्र में बीती 20 सितंबर को हुई थी लूट की वारदात। सीमावर्ती क्षेत्र अंधरामठ थाना इलाके से हुई बरामदगी। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र में बीते 20 सितंबर को हुई बाइक लूट कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने लूटी गई बाइक और मोबाइल फोन के साथ एक शातिर बदमाश को अंधरामठ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड में संलिप्त दो और अपराधी की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। धारा अपराधी की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के दौसई गांव निवासी राम कुमार मंडल के पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है। झंझारपुर के डीएसपी पवन कुमार ने बाइक लूट कांड का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 20 सितंबर को मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव निवासी दिनेश महतो के पुत्र अनिल कुमार का हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एक बाइक पर सवार 3 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट लिया था। झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखेत बकरौली सड़क पर अपराधियों ने बाइक लूट की घटना को उस समय अंजाम दिया जब अनिल कुमार अपने दोस्त शिव शंकर कुमार के साथ झंझारपुर से इंद्रपूजा मेला देखकर घर जा रहे थे। अपराधियों ने सुनसान जगह पर भय दिखाकर बाइक के साथ ही बाइक सवार अनिल कुमार का मोबाइल फोन भी लूट लिया। घटना के बाद अपराधी बाइक को अंधरामठ थाने के अमिचड़ी गांव में अपनी बहन रुक्मणी देवी पति रामनाथ पंडल के छुपाकर रख दिया और स्वयं अंधरामठ थाने के ही बावजूद गांव में अपने मौसा नारायण मंडल के घर छुप गया। घटना के अगले दिन ही पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान की मदद से अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शातिर बदमाश रंजन कुमार को उनके मौसा के घर से लूटे गए मोबाइल फोन के साथ दबोच लिया। फिर धारा अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके बहन की घर से लूटे गए बाइक को भी बरामद कर लिया। इस कांड में संलिप्त दो और अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चोरी की घटना काफी पहले कुछ घटनाएं घटी थी, जिसको लगातार इस पर काफी मेहनत किया गया और दिशा निर्देशन में ये जो थाना प्रभारी और अपने एक टीम के साथ जो टीम बनाया गया था लगातार छापेमारी कर मोटरसाइकिल भी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और शेष अभियुक्त जो इसमें संलिप्त हैं उन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जा रही है। 20 तारीख की रात्रि में 2:30 से 3 बजे के करीब एक इंद्र पूजा और सुखैत में जो प्रोग्राम था उससे देखकर वापस पचही गाँव जा रहा था। इसी बीच रास्ते में 3 अपराध कर्मियों द्वारा मोटरसाइकिल से पीछा कर मोटरसाइकिल भखरौली से आगे चिमनी के पास तुलसिया ये रेलवे क्रॉसिंग से पहले ही चिमनी के पास लूट लिया गया मोटरसाइकिल। भय दिखाते हुए और एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल, दोनों मोटरसाइकिल लूट लिया गया। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, उपरांत पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही अपने तकनीकी साक्ष्यों और तकनीकी और छापामारी कर अंधरामठ थाना फुलपरास थाना के अंतर्गत लगातार सूचनाओं के आधार पर छापामारी करता रहा। इस बीच में कल रात्रि में अंधरामठ थाना अंतर्गत सबसे पहले अपने मौसी के यहाँ छिपकर अपराध कर्मी रंजन कुमार पकड़ा गया, जो अपने लूटी गई मोबाइल के साथ अपनी मौसी के यहाँ छिप कर रहा था। फिर उसके पकड़ने के बाद उसके निशानदेही पर वो अपनी बहन के यहाँ जहाँ लूटी हुई मोटरसाइकिल को छिपाकर आमचीरी गांव में रखे हुए था, जहाँ पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके निशानदेही पर लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। सर बाकी और दो अन्य अपराधकर्मी जो फुलपरास थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं उन पर लगातार छापामारी और आगे कार्रवाई की जा रही, जल्द ही गिरफ्तार की। पीछे उसमें से एक या दो अपराधकर्मियों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसको भी खंगाला जा रहा है और अन्य थानों से भी संपर्क कर इसमें